रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द है एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। ठीक है, बनावट के आधार पर है रूढ़, योगी, योगरूढ़। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और प्रयोग के आधार पर है विकारी और अविकारी। ये तुम्हारे पूरे चैप्टर का सार हो गया। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। बुक में आइए चिंता करने के लिए। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को कहते हैं शब्द। शब्द पे टिक लगाओ। वाक्य के भेद किए गए हैं चार आधारों पे। बच्चों यहाँ पे ना वाक्य की जगह शब्द लिखो, शब्द के भेद किए गए हैं, क्योंकि हमने शब्द वाला चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, चार आधारों पे। पर्यायवाची शब्द अर्थ देते हैं। पर्यायवाची कैसा अर्थ देते हैं? समान। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे प्रश्न उत्तर। बच्चों बहुत से बच्चों की शिकायत होती है कि उनके पास बुक नहीं है, इसलिए मैंने प्रश्न बोर्ड पे ही उतार दिए। ध्यान से देखिए, अब आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए काम ना करने का। ठीक है, प्रश्न एक है, शब्द किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, नदी, ये सब आप लोग कोई भी दो शब्द लिख देंगे उदाहरण में। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर? ओके। शब्दों को किन किन आधारों पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है? तो शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है अर्थ के आधार पर। पहला कौन सा है? अर्थ के आधार पर। सेकंड है बनावट या रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। थर्ड है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और फोर्थ है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो क्वेश्चन है शब्द किन किन आधारों पर विभिन्न वर्गों में बांटे गए? तो शब्द चार आधारों पे, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर बांटे गए हैं। शब्द चार आधारों पर बांटे गए हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। आगे समझ में, शब्द के चारों आधार समझ में आ गए आपको। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। उत्पत्ति, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। आगे समझ में, नेक्स्ट, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेदों के नाम बताओ। रचना और बनावट के आधार पर कौन सा हो जाएगा? रूढ़, योगी, देशज, विदेशी। ठीक है, और रचना के आधार पर रूढ़,
ठीक है। शब्दों को किन आधारों पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है? शब्दों को चार आधारों पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? चार आधार पर, तत्सम, तद्भव, उत्पत्ति का ही है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के योगी और योगगुरु। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, एकार्थ, अलेकार्थ, समानार्थ और विपरीतार्थ। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्दों में क्या अंतर है? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। अविकारी वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल कारक आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते। तो बच्चों आज का चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो गया। तो प्रश्न उत्तर एक से छह तक एक प्रश्न है, आपको सारे प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। वैसे मैंने अच्छे से समझाया, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, ये सारे प्रश्न अगर बुक नहीं है तो ब्लैक बोर्ड से देखो और आंसर लिखो। ठीक है, थैंक यू।